मुझे नींद बहुत आ रही है, पता नहीं क्यों मुझे वैसे इतनी नींद नहीं आती। मौत तो एक दिन मुहैया है, नींद रात भर क्यों नहीं आती? पहले आती थी हाले दिल पे हंसी, अब किसी बात पे नहीं आती। By the end of 2022 मैं सऊदी अरब गया था। सऊदी अरब में मेरे अबू रहते हैं क्योंकि उनकी जॉब वहाँ पे, तो उनको विज़िट करने गया था मैं रियाद में।6006 and yeah. I have an order coming from Hunger Station, okay? Oh, okay sir. Thank you. Thank you. ये दरिये करना पड़ता है। और फिर हमने नियत की उम्रे की और उम्रा हम करने गए। देखो अब जब उम्रे पे आप जाते हैं ना, मज़ा आता है, अच्छा लगता है। मैं पहली दफ़ा जब उम्रे पे गया था तो वो था 2011 में। पहले मदीना गए थे, मदीना में हम रहे, हम बिन दाऊद वगैरह घूमे, मस्जिद गए, ऑल द स्टफ दैट यू डू। लेकिन मैं ब्रो बच्चा था यार, क्या 2011, दैट्स लाइक व्हाट आई वाज 10 आई थिंक। तो अब 10 साल की उम्र में बंदा क्या ही स्पिरिचुअल, यू नो यू आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस अबाउट गॉड एंड देयर इज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस कि आप पूछते हैं मजहब के बारे में, लेकिन वो आप पूछते नहीं है, वो बस आप, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन जवाब देगा और कौन आपसे आपके सवाल पूछने पर सवाल पूछेगा। उमरा जब कर रहे थे तो मुझे याद है कि वी वर विद दीज फैमिली फ्रेंड्स आई थिंक, बड़े उनके बच्चे बड़े बदतमीज़ थे, वो हमारे साथ ही थे उमरे के दौरान, तो वो उमरे के दौरान ही बड़ी बदतमीजी कर रहे थे, बड़ा बुली कर रहे थे मुझे। मैंने आप सोचे उमरे के दौरान बुली कर रहे थे, सो दैट एक्सपीरियंस वॉजेंट वेरी नाइस। जब पहली दफ़ा आई लेड माई आईज ऑन काबा, दैट सपोज टू बी अ वेरी यू नो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस फॉर यू, एंड आई रिमेंबर कि मेरे मामू मेरे साथ थे और वो बोल रहे थे कि नीचे देखो, और उन्होंने बताया कि अब तुम ऊपर देखो काबा की तरफ, और जब हमने देखा तो मैं बस देखा और मैंने फिर अम्मी को देखा और अम्मी रो रही थी, और मुझे समझ नहीं आई उस बात की अम्मी रो क्यों रही है, अनटिल फास्ट फॉरवर्ड 11 years, नाउ दैट आई नोटिस इट्स एक्चुअली 11 years। मैं काफ़ी एक्साइटेड था मदीना जाने के लिए। अब मदीना जब हम पहुँचे तो वो दिन था जुम्मा का,
तो होटल में साहब लाइट नहीं थी। एक्चुअली में उस पूरे एरिया में किसी भी होटल में लाइट नहीं थी, पता नहीं क्यों। बड़ा ख्वार कर रहे हैं भाई अब भी लोग, मेन्यू देखते। जुम्मे की नमाज के लिए जब हम गए और जैसे ही मैं मस्जिद में एंटर किया, आई वॉज वेरी एक्साइटेड टू एंटर द मस्जिद। और दरवाजे पे ही किसी ने मुझे रोक लिया कि आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते। वो एक बंदा था अरबी, उसने बोला अस्सलाम वालेकुम। मैंने मेरे ख्याल से दो रिंग्स पहनी हुई थी हाथ पे और मेरे लंबे बाल थे। उसने बोला जनाना जनाना। और बड़ी अफसोस की बात है कि मतलब आई एम जस्ट एक्साइटेड अबाउट दिस थिंग यू नो। और मुझे इंस्टेंटली ऐसे इंटरप्ट किया जाता है उस दरवाजे पे जहाँ पे मेरे नबी का रोज़ा रसूल है, वहाँ पे मुझे इंटरप्ट किया जाता है और मुझे कहा जाता है कि तुम अंदर नहीं जा सकते सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे बाल लंबे, तुमने ये रिंग्स पहनी हुई है। वो मुझे बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा अच्छा ठीक है यार, तो मैंने बाल बांध लिए। मुझे काफ़ी उस वक्त एंग्जाइटी हो रही थी। मे बी दैट इंट्रैक्शन कॉज्ड मी टू बी सो एंग्शियस। लेकिन पता नहीं क्या है मेरा चक्कर कि मुझे अकेले नमाज पढ़ने में जो सुकून मिलता है ना, वो जमात में उतना नहीं मिलता। लोग बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो मुझे वैसे एंग्जाइटी होती। और फिर उसी दिन बाकी सारी नमाजें हुई और ऐसे ही दिन गुजर गया, टायरिंग सा ऑफ सा दिन गुजरा। अगले दिन मैं उठा मैं फजर की नमाज के लिए, और फजर की नमाज का पता नहीं क्या ऐसा असर पड़ा, बहुत सुकून मिला। उस वक्त मैं आर्ट ऑफ चाय बना रहा था। आई हैडन्ट बीन इन कॉन्टैक्ट विद लिप्टन। हमारी स्पॉन्सरशिप के बारे में उस टाइम से कोई तकरीबन 6-7 महीने पहले बात हुई थी। मैंने उनको 6-7 महीने बाद अब जाके मैसेज कर रहा था यू नो अबाउट अपडेटिंग विद द प्रोजेक्ट एंड स्टफ। एंड आई वॉज जस्ट प्रेइंग कि यार ये डील लॉक हो जाए। एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है चाय पे, वो भी स्पॉन्सर्ड बाय लिप्टन। मैंने दुआ की बड़ी दिल से। फजर की नमाज पढ़ के फिर हम होटल गए और नाश्ता करते हुए व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आती है। तब नींद में आधे पड़े फिर मैं ठूस रहे और मैं चिल्लाया और कहा यस, और सब में डर गए। और मैंने बगैर परवाह किए जो नाचने लगा मैं थोड़ा बहुत। हम मेरे ख्याल से अक्सर रूटीन ऑफ टुडे वी ऑफन स्ट्रगल विद क्रिएटिंग रूटीन, बिकॉज इतना हमारे अंदर हमने अपने जज्बात को, हमने अपने आप को अपने ही अंदर इतना दफनाया के रखा है कि हम बस चल रहे हैं। और मेरे ख्याल से यही मसला है आज का कि हम रुक नहीं रहे, हम बस चले जा रहे हैं। और मेरे ख्याल से जो ये एक फ़र्ज़ है मुसलमानों पे कि 5 वक्त दिन में नमाज पढ़ के अपने खुदा को याद करना है, दिस इज वॉट मेक्स यू प्रेजेंट। और रमज़ान की यही खूबसूरत बात है कि मेरे ख्याल से इट गिव्स यू अ चांस टू, इट गिव्स यू अ चांस बिकॉज हम हैं गुनाहगार, लेकिन हमें अगर इस चीज़ की अवेयरनेस है कि हम गुनाह करते हैं तो दैट इज जस्ट 1 step क्लोजर टू बिकमिंग बेटर पीपल। बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन एंड बिकमिंग अ बेटर मुस्लिम हैज नो डिफरेंस इन माई ओपिनियन, बिकॉज बींग अ बेटर ह्यूमन इज बींग अ बेटर मुस्लिम। तो ऑब्वियसली ये कुछ स्पेसिफिक फराइज हैं जो कि हर मुसलमान को करने पड़ते हैं, लेकिन बींग अ मुस्लिम इज सो मच मोर देन दैट। तो उसके बाद मक्का पहुँचे, अपने होटल गए जो कि था स्विस होटल। स्विस होटल नहीं, स्विस होटल। हम सब अपना सामान लेके जो है उधर वो लिफ्ट कंपार्टमेंट वाले एरिया में खड़े थे कि पीछे से एक अपने ख़ानदान के साथ एक लड़का आया और वो उस लड़के ने बोला कि आप शहजाद जो है ना। मैंने कहा जी जी जी। मैंने कहा आप यहाँ यार क्या कर रहे हैं। मैंने कहा यार कुछ नहीं, बस सब्जी लेने आए। अब भाई क्या कर रहा हूँ, हैरान पैदा हुआ है मैंने, क्या लग रहा है क्या करने आया हूँ, शादी करने आया हूँ।
तो आप यहाँ फिर लिफ्ट आ गई, तो फिर वो और हम जो है लिफ्ट में ही अंदर चले गए और वो भी आया और फिर उस फ्लोर पे पहुंचे तो फिर वो होटल आ गया। उसने बोला कि ये आपका आपका होटल ये, मैंने कहा हाँ भाई बस मेरा होटल आ गया, चले मिलते हैं फिर। तो मैं बस सही है ठीक है, अब तो पता चल गया आप कहाँ रह रहे हैं। ओके एनीवेज फिर ही हम रवाना हुए उम्रे के लिए, पता नहीं कौन से किंग का कोई गेट था। हम सब नीचे ही देख रहे थे हम, और अच्छी बात ये थी कि आई थिंक वो लाइक स्पेसिफाइड ऑन द फ्लोर ताकि आपको आगे देखना ना पड़े कि किस तरफ आपको जाना है। हमने आंखें उठा के ऊपर देखी, नाउ दिस टाइम इट वाज डिफरेंट, दिस टाइम अम्मी वाजंट द ओनली वन क्राइंग। इट वो एक बड़ा मेजेस्टिक सा आपको जो है ना वो मेरे ख्याल से एक इट गिव्स यू अ मेयर सिंबलिज्म ऑफ what it is that you मेरे ख्याल से believe। तो वो देख के जो है ना you just naturally just shed a tear। बड़ा एक खूबसूरत नज़ारा होता है, तभी मेरे ख्याल से आप जो है ना थोड़े हिल जाते हैं कि ब्रो क्या आप तो कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत कुछ है लेकिन आप कुछ भी नहीं है। तवाफ़ करना शुरू किया और मेरे ख्याल से तीसरे तवाफ़ के दौरान एक लड़का था और उसकी अम्मी थी। तवाफ़ करने के दौरान वो लड़का मुझे देखता है और मैंने नोटिस किया कोई मुझे देख रहा है, तो मैंने उसकी तरफ देखा और वो ऐसे उसकी शक्ल ऐसी थी, पीछे उसकी अम्मी भी हंस रही है लाइक मतलब हंस नहीं रही स्माइल करके, और फिर आगे उसका बेटा ऐसे कर रहे हैं। मैंने कहा रील्स देखते हो क्या, जानते हो मुझे, तो उसने बोला, मैंने कहा अच्छा थैंक यू भाई, उसने बोला तो मैंने कहा ओके दैट वाज वियर्ड एनीवेज लबैक अल्लाहुम्मा लबैक। हम सफा मरवा पे गए और फिर एक बंदा आया जो कि लाइक मतलब हैवी ब्रीदिंग करते हुए आ रहा था और मेरे सामने आके उसने बोला आप शहजाद जो है ना, मैंने कहा जी भाई जी, और फिर उसने बोला मैंने आपको पीछे से ही पहचान लिया था। मैंने कहा पीछे से कैसे पहचान लिया बंदे, मुझे समझ नहीं आई, मैंने आपको पीछे से ही पहचान लिया था। मैंने कहा अच्छा थैंक यू भाई आई गेस क्या कहते हैं, तो उसने बोला कि यहाँ कैसे आना। एक तो पता नहीं क्या है, अबे यहाँ कैसे आना, सफा मरवा में मैं क्या कर रहा हूँ आराम पहन के। मैंने बोला बस भाई सब्जी लेने आए थे। सही नहीं, आप वीडियोस बहुत अच्छी बनाते हैं आपकी, और ऐसे करके तारीफ कर रहा था, बड़े अच्छे अच्छे लफ्ज बोले। मैंने बोला थैंक यू यार, और फिर उसने कहा कि एक तस्वीर ले सकता हूँ, बोला हाँ, और फिर तस्वीर ली हमने, फिर उसने बोला फिर और तो फिर एंड में क्या उड़ा देंगे पूरे पूरा पूरा सर है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं पहले भी एक दफ़ा कर चुका हूँ, तो मैं एक ही दफ़ा मैंने वो कराया था, अब ये बड़े करने कह रहे थे, मतलब करवा देना ये, देखा मैंने भी करवाया। मैंने कहा अच्छा फुल उड़ा दिए, हाँ ये फुल उड़ा दे मज़ा आएगा ऐसे हवा। मैंने कहा नहीं यार करा देना शहजाद भाई अच्छा लगेगा। मैंने कहा नहीं नहीं अच्छा, मुझे अम्मी बुला रही मैं जाता हूँ ठीक है। ठीक।